मुंह में रखते ही घुल जाने वाली मार्केट से भी अच्छी मलाईदार मलाई कुल्फी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट तैयार होने वाली मलाईदार मलाई कुल्फी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। काजू और बादाम को मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है, इसका कलर सुनहरा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मलाई कुल्फी बनाने के लिए हम एक ग्राइंडिंग जार में 8 बादाम, 8 काजू, 6 से 8 पिस्ता डाल देते हैं। अगर आपको इनमें से कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स से मलाई कुल्फी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें हम आधा कटोरी या 6 से 7 चम्मच चीनी डाल देते हैं और साथ ही डाल देते हैं 2 इलायची, जिससे कुल्फी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। अब इसे हम ब्लाइंड कर लेते हैं। इसे हमने पीस लिया है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम लेते हैं ब्रेड के 4 स्लाइसेस और इसका ब्राउन वाला पार्ट को काट के हटा देते हैं। हमें सारे ब्रेड से ब्राउन पार्ट को काट के हटा देना है। हमने सारे ब्रेड से ब्राउन पार्ट को हटा दिया है, अब हम इसे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब उसी ग्राइंडर जार में सारे ब्रेड के टुकड़े और 1 कटोरी दूध को डालकर अच्छी तरह से पीस लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी केसर वाला दूध को डाल देते हैं। 1 घंटा पहले केसर को हमने गर्म दूध में भिगो के रखा था। साथ ही 1 कटोरी मलाई डाल देते हैं। अब इसमें 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। आप मिल्क पाउडर या मलाई में से किसी एक को स्किप कर सकते हैं या दोनों का यूज कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसे सांचों में डालते हैं। अब हम कुल्फी बनाने के लिए कुछ सांचों का यूज करते हैं, जिनमें से हमने लिया है बाजार से कुल्फी मेकर। ये बाजार में आसानी से मिल जाती है। आप प्लास्टिक का ग्लास या कॉफी कप का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप घर में यूज होने वाली नॉर्मल स्टील का ग्लास या कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। सारे सांचों में अब हम कुल्फी के मिक्सचर को डाल देते हैं। हमें एक एक करके सारे सांचों को भर देना है। अब कुल्फी मेकर में ढक्कन को लगा देते हैं। आप इस प्रकार के आइसक्रीम स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक का यूज करने के लिए हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल से हमें इस तरह से कवर कर लेना है और इसमें एक रबर बैंड लगा लेना है। हमने सारे सांचे को एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर लिया है। अब हम इसे बीच से कट करके आइसक्रीम स्टिक को लगा लेंगे। हमने सारे आइसक्रीम स्टिक को लगा लिया है। अब हम इसे फ्रीजर में 6 घंटे के लिए रख देते हैं।
तो फ्रेंड्स 6 घंटे के बाद हमारा मलाईदार मलाई कुल्फी तैयार है। अब हम इसे सांचे से निकालते हैं। सांचे से निकालने के लिए हमने एक बाउल में नॉर्मल वाटर लिया है। कुल्फी मेकर को पानी में 20 से 30 सेकंड के लिए डीप करना है। उसके बाद हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे से निकाल लेना है। हमारा कुल्फी बहुत ही अच्छा बना है। आप इसे हथेली से रब करके भी निकाल सकते हैं। हमें सांचे को इस तरह से 20 से 30 सेकंड के लिए डिप करना है। आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स से गार्निशिंग भी कर सकते हैं। ये देखने में भी काफी अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी होगा। ये देखिए हमारा कुल्फी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी है। इसे मुंह में रखते ही घुल जाएगी। हमारा मलाईदार मलाई कुल्फी तैयार है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।